सीख रहे हैं। मोमो के लिए सबसे पहले हमको पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, धनिया, गाजर, शिमला मिर्ची और अब बीन्स भी डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, बस शिमला मिर्ची, गाजर, प्याज, अदरक, धनिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेंगे, उसके बाद प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे, धनिया पत्ता को भी बारीक बारीक काट लेंगे, गाजर को भी बारीक बारीक काट लेंगे, अदरक को भी बारीक बारीक काट लेंगे, हरी मिर्ची को भी बारीक बारीक काट लेंगे। उसके बाद बारीक बारीक काटने के बाद सबको कुछ देर के लिए अलग अलग बर्तन में छोड़ देंगे नमक डाल के आधे घंटे के लिए, ताकि इसका पानी निकल जाए। फिर उसके बाद इसका पानी निचोड़ करके सबको तीनों चारों पांचों जितना भी सब्जी हम लोग डाल रहे हैं इसको मिक्स कर देंगे। फिर आप उसमें स्वाद अनुसार अपना नमक डाल सकते हैं, आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं अपना स्वाद के अनुसार, और इसमें आप थोड़ा सा बटर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि यह गीला ना हो, और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको मिक्स कर दें। बटर यूज़ करने से क्या होता है कि ज़्यादा गीला नहीं होगा, आपको भरने में आसानी होगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। उसके बाद मैदा को आप हल्का नमक डाल के, स्वाद अनुसार नमक डाल करके जिस तरह वीडियो में दिख रहा है इस तरह से टाइट गूंद लें। जो हमारा मैदा जो गूंदा हुआ था उसको हम लोग जो अपना टेबल है उस पर बड़े जगह पे सबसे पहले उसको बेलें, जहाँ की जहाँ जब से पतला बेल सके, जितना पतला होगा उतना अच्छा होगा, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है तो फट जाएगा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं रहना है जिससे पके ना। फिर हम लोग इस तरह से गोल करके काट लेंगे, उसमें हमारा समय भी बचेगा और जल्दी बन भी जाएगा। काटने के बाद इसको आप निकाल सकते हैं। फिर ये हमारा मोमो के लिए रेडी हो गया। भरने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से भरें, इस तरह भरने का तरीका है सबसे सरल तरीका। आप इसको इस तरह क्लोज कर दें, इसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें डिजाइन, जैसे डिजाइन नहीं करना आ रहा हो उसको, वो इस तरह से डिजाइन कर दें, जैसे हमारी सरल भाषा में हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। और एक बार देखिए इस तरह से भरना है, इस तरह से क्लोज करना है इसको। इस तरह से फोल्ड कर देना है इसको, इस तरह पंखुड़ियाँ बना रहे हैं इसके। मोमो का चटनी के लिए सबसे पहले हम लोग टमाटर को हल्का बारीक बारीक काट लेंगे, बड़ा बड़ा बारीक बारीक जैसे आपको सुविधा हो, और लहसुन और साबुत लाल मिर्ची अपना स्वाद के अनुसार, नमक ले लें। फिर उसके बाद हम लोग इसको कढ़ाई में किस तरह डाल के भूनते हैं, भून के बनाते हैं चटनी। ऐसे हम लोग टमाटर चटनी को उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है जितना ये भून के बनाने में आता है। इसको आप देखिए किस तरह हम लोग भून के बनाते हैं। सबसे पहले आप साबुत मिर्ची डाल दीजिए, आप इसको चाहो तो आप इसको उबाल के भी बना सकते हो। साबुत मिर्ची के बाद लहसुन डालें, उसके बाद आप टमाटर डालें, इसको पकाएं, इसको फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दें।
पकाएं, अच्छी तरह पकाएं, जैसे कि टमाटर का पानी निकल गया है, जाए टमाटर अच्छे से। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मोमो की चटनी का स्वाद अच्छा रहता है।